तो रेबल प्रभास की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार पार्ट वन सीज फायर से हार्डकोर 18 प्लस एक्शन मूवीज की मास डेफिनेशन सिखाने के बाद सलार के पार्ट टू को देखने के लिए वो सिनेमैटिक तलवार चलाने वाले टोटल इम्पोर्टेंट क्रूशियल वो फायर बर्निंग क्वेश्चन उठने चाहिए जो सलार पार्ट टू शौर्यंगा पर्वम को आने वाले टाइम की डायनेमिक मोस्ट अवेटिंग सीक्वल बनाता है। बर्निंग क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड इन सलार क्लाइमैक्स। अब देखो सलार के एंडिंग में सभी पंचों की वोटिंग और ज़ोंबी मेसाकार के बाद 440 वोल्ट का सिनेमैटिक शॉट देने वाली बात ये रिवील हो जाती है कि शांति में क्रांति करने वाला देवा का कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि शौर्यंगा ट्राइब्स का लोन वुल्फ है। और इस क्लाइमैक्स को समझने के लिए हमें इंटरवल के बाद के राजमन्नार के फ्लैशबैक को समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब शिव मन्नार जो कि राजमन्नार का बाप होता है उसके मरने के बाद खानसार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मन्नार या बुल ट्राइब्स का कोई सरदार मरता है तो उसके बाद शौर्यंगा ट्राइब्स का लीडर खानसार का कर्ता धर्ता यानी नेक्स्ट किंग बन जाता है। बट इंटरवल के बाद राजमन्नार के फ्लैशबैक में इस चीज को क्लियर कट दिखाया गया है कि राजमन्नार ने सत्ता हासिल करने के लिए सिंगल छोटे से बच्चे तक को ना छोड़ते हुए पूरी की पूरी शौर्यंगा ट्राइब्स को ही खत्म कर दिया ताकि कोई लोन वुल्फ मुंह उठाकर वापस ना आ जाए तख्ता पलट करने के लिए। और यही चीज सलार के क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा सिनेमैटिक बॉम्ब है क्योंकि एंडिंग में सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि मैसाकार के नाइट में शौर्यंगा ट्राइब्स के कुछ बच्चे उस रात को जिंदा बच गए थे में से देवा का भी एक कैरेक्टर था जिसे अनजाने में या कह लो दोस्ती के खातिर वरद राजा मन्नार ने बचपन में देवा और उसकी माँ को बचाते हुए उसे खानसार से बाहर निकाला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वही रात थी जब शौर्यंगा ट्राइब्स को जड़ से खत्म किया जा रहा था उनका मैसाकार करके। तो अगला बर्निंग क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है कि सलार मूवी के अंदर जिस शौर्यंगा ट्राइब्स को खत्म किया गया था रातों रात आखिर वो खानसार में बचे तो कैसे बचे और सर्वाइव कैसे कर गए। तो क्लाइमैक्स में ये शॉकिंग बात तब रिवील होती है जब भारवा का कैरेक्टर जो कि राजमन्नार के डेडली पुत्री राधा रामा का पति होता है वो बंदा एंड में चौड़े में इस बात को रिवील करता है कि वो खुद एक शौर्यंगा ट्राइब का लोन वुल्फ है। और जब राजमन्नार ने शौर्यंगा ट्राइब्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया था तब उस रात को शौर्यंगा ट्राइब्स के कुछ लोगों ने मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए नाले और गटरों के अंदर छुपा दिया था और भारवा का कैरेक्टर उन बच्चों में से ही एक है जो उस ब्लडी नरसंहार के अंदर बच गया। और उसके बाद उन सारे बच्चों ने अपने आइडेंटिटीज को छुपाते हुए सालों तक घनियर और मन्नार ट्राइब का हिस्सा बनते हुए मन्नार ट्राइब्स के अंदर फूट डालकर एकमेक का दुश्मन बनाते हुए मूवी के क्लाइमैक्स में सीज फायर को हटाते हुए तख्ता पलट कर दिया। और अब शौर्यंगा ट्राइब्स इतना पावरफुल हो चुका है कि उसकी अपनी खुद की एक आर्मी है। वही बर्निंग क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या देवा को पता है वो खानसार के सबसे पावरफुल लोन वुल्फ ट्राइब शौर्यंगा ट्राइब का सबसे बड़ा लीडर है। तो इस 1000 करोड़ के क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज की 99% पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि देवा के कैरेक्टर को ये बात पता नहीं है कि वो खानसार के शौर्यंगा ट्राइब का हिस्सा है। बट हाँ, ये फकिंग बात वरद राजा मन्नार को बहुत ही जोरदार तरीके से पता है कि देवा खानसार के सबसे पावरफुल लोन वुल्फ ट्राइब जो एक्चुअली में खानसार के तीनों भी ट्राइब्स में से सबसे पावरफुल होने के साथ इस ट्राइब को गॉड लेवल का दर्जा दिया जाता है उस शौर्यंगा ट्राइब का लीडर है जिसे असली में खानसार का किंग बनना चाहिए। जिसे और भी डीप समझने के लिए बर्निंग क्वेश्चन नंबर 2 ये उठना चाहिए कि आखिर देवा है कौन और उसके ओरिजिन स्टोरी क्या है। तो बेसिकली खानसार में देवा का बचपन गुजरना इस बात को लेकर मूवी की स्टार्टिंग में ही जोरदार तरीके से हिंट दे दिया गया था कि देवा उसका बाप और उसकी माँ एक्चुअली में खानसार के ट्राइब्स का पार्ट है। बट ये शॉकिंग बात मूवी के एंड तक किसी को भी पता नहीं थी कि आखिर देवा की फैमिली घनियार कबीले से है या शौर्यंगा जिसका जमाने से मन्नार कबीला पावर के लिए यूज किया करता था। तो यहाँ पर ये बात सिंपली क्लियर हो जाती है कि प्रभास का डेडली कैरेक्टर लोन वुल्फ शौर्यंगा कबीले के लीडर धारा के कैरेक्टर की एक लौती औलाद है जो डंके की चोट पर खानसार पे हक रखता है सरदार बनने का। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये आता है कि आखिर देवा खानसार का सलार बनने के बाद उसे छोड़ा क्यों, और सिंपली कहूँ तो बंदे ने खानसार क्यों छोड़ा। तो देवा के हॉरेबल मिस्टीरियस पास्ट को देखा जाए तो खानसार छोड़ने की फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि देवा के माँ को ये बात पता चल जाए कि उसका लौंडा आखिर खानसार में एक जंगली डायनासोर बनते हुए किस तरीके से खून की नदियाँ बहा रहा है जिस वजह से देवा की माँ उसे प्रॉमिस देते हुए वहाँ से ले जाए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि देवा वरदा के छोटे भाई को ब्रूटली मार दे जिस तरीके से उग्रम मूवी के अंदर दिखाया है और सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला जाए। तो ये 2 फ्रीकिंग रीजन हो सकते हैं देवा द सलार के खानसार छोड़ने के। तो ये थे वो सलार पार्ट 1 सीज फायर के 5 बर्निंग क्वेश्चन जिसे सलार के सीक्वल में इन ब्लडी आंसर को सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ते हुए मैं देखना चाहता हूँ। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।